Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I am into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे मिलेनियम अमारा बाय मिलेनियम डेवलपर्स एट मामुर्डी पुणे. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 2.5 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है जिसमें टोटल 6 टावर्स है. तो अभी डेवलपर ने 4 टावर लॉन्च किया है A, B, C और D और ये सभी टावर्स में एक लेवल बेसमेंट में पार्किंग दिया है, ग्राउंड में पार्किंग दिया है और उसके ऊपर 13 हैबिटेबल फ्लोर्स है. बिल्डिंग के फ्रंट साइड में आप देखेंगे कुछ रिटेल प्लाजा दिया हुआ है और राइट साइड में आप देखेंगे ब्यूटीफुल ड्राइववे इन विद सिक्योरिटी कैबिन. और इस प्रोजेक्ट में हर एक विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 BHK फ्लैट्स और सभी फ्लैट्स में डेक दिया हुआ है विद फ्रेंच कट विंडो ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले. प्रोजेक्ट दोस्तों काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसे ही ख़त्म होता है उससे थोड़ा ही पहले लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट लोकेटेड है. प्लस हर एक फ्लैट में 2 बैल्कनी दिया गया है और 3 BHK में काफ़ी बड़ा बैल्कनी है. इट्स अ किंग साइज बैल्कनी. स्पेशियस लेआउट है, कोई फ्लैट के अंदर वेस्टेज नहीं है. प्लस यहाँ पर एम्यूनिटीज़ में 45+ एम्यूनिटीज़ दिया हुआ है. तो कुछ एम्यूनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर होगा, कुछ एम्यूनिटीज़ पोडियम लेवल के ऊपर है और कुछ एम्यूनिटीज़ रूफटॉप के ऊपर दिया हुआ है. सो मिलेनियम इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर. उनके बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मिलेनियम एम्ब्रेल्ड एट वाकर्ड, Millennium Pacific at Tathawade, and right side upcoming project is Millennium Falcon which is at Tathawade. तो प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट ये है कि इट इज़ सराउंडेड बाय नेचुरल ग्रीन्स. लोकेशन इज़ वेरी गुड एट मामुर्डी. फ्रॉम हियर यू कैन ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ पुणे सिटी एज वेल एज यू कैन ट्रैवल टू लोनावाला एंड मुंबई ईजली. तो इस प्रोजेक्ट को 3 रोड का बेनिफिट मिलता है. सबसे पहला तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे विच इज़ NH4, कतराज देहू रोड एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस प्रोजेक्ट के पास में है. प्लस लाइफस्टाइल कन्वीनियंस स्टोर्स, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है. प्लस मामुर्डी इज़ अ डेवलपिंग एरिया. तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी मिलता है. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट मिलेनियम अमारा यहाँ पर लोकेटेड है. ये जो एरिया है दिस इज़ मामुर्डी और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो यहाँ पर आके ख़त्म होता है. और फिर यहाँ से जब आप राइट लेते हो तो यहाँ पर सेंटोसा रिसोर्ट है, इस तरफ रिलायंस मार्ट है, इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ मुकाई चौक, इस तरफ किबले है, इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. तो यूएसपी दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो एक्सप्रेसवे 1 मिनट के डिस्टेंस पर है, MCA क्रिकेट स्टेडियम 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, सेंटोसा रिसोर्ट 2 मिनट, पुनवले कॉर्नर 8 मिनट, देहू रेलवे स्टेशन 10 मिनट, आकुर्डी रेलवे स्टेशन 12 मिनट एंड मचमूर चिंचवाड़ 15 मिनट, इंदिरा कॉलेज 15 मिनट, बालेवाड़ी स्टेडियम 17 मिनट, निगड़ी 18 मिनट एंड मच मोर. इसके अलावा बोसारी 22 मिनट पर है, तलेगांव 25 मिनट, शिवाजी नगर 25 मिनट, पुणे एयरपोर्ट 35 मिनट्स, लोनावाला 35 मिनट्स एंड मच मोर. एंड दिस इज़ वन मोर एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग जिसमें आप देखेंगे फ्रंट साइड में कुछ रिटेल प्लाजा है. एक तरफ से ड्राइववे इन है, दूसरे तरफ से ड्राइववे आउट है विद सिक्योरिटी कैबिन. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 2.5 एकड़ है. तो अभी डेवलपर ने जैसा मैंने आपको बताया कि 4 टावर लॉन्च किया है और उसके बाद हो सकता है इसके पास में यहाँ पर या राइट हैंड साइड पे जहाँ पर भी प्लॉट होगा तो वहाँ पर 2 टावर और लेकर आएंगे. तो यहाँ पर मास्टर प्लान में आप क्लियरली आप देख सकते हो कुछ एम्यूनिटीज़ यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पर दिया हुआ है, कुछ एम्यूनिटीज़ पोडियम लेवल के ऊपर है और कुछ एम्यूनिटीज़ रूफ टॉप के ऊपर दिया हुआ है. तो यहाँ पर किड्स पूल, पूल डेक, सिटिंग प्लस ट्री पीट, पार्टी लॉन, सिटिंग प्लाजा प्लस परगोला, आउटडोर फिटनेस एरिया एंड मच मोर. तो यहाँ पर आपको बड़ा सा स्विमिंग पूल मिलता है प्लस किड्स पूल दिया गया है. इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये रूफटॉप एम्यूनिटीज़ है जहाँ पर जाइंट साइज चेस बोर्ड और जाइंट साइज लीडो दिया हुआ है, प्लस सीट आउट्स एरिया है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे डैड्स किड्स प्ले एरिया विथ प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन अराउंड एंड दिस इज़ हाउ द स्विमिंग पूल एरिया विल लुक लाइक। तो लेफ्ट साइड में एडल्ट पूल है, राइट साइड में किड्स पूल है, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग, सन डेक एंड प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन अराउंड। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे सभी फ्लैट्स में बड़ा सा डेक दिया हुआ है। दिस इज़ लॉन एरिया विद ओपन जिम्नाजियम एंड अगेन सिट आउट्स परगोला। इन इंडोर गेम्स यू हैव टेबल टेनिस, पूल गेम, देन फुल्ली इक्विप्ड जिम्नाजियम, किड्स प्ले एरिया, कैफे एरिया। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी फ्लैट्स हैं सारे लग्जरी फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स के अंदर जितने भी फिटिंग्स और फिक्सचर्स हैं सारे ब्रांडेड कंपनी के हैं। सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स भी ब्रांडेड कंपनी का होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट में सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया है, ग्रैंड डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस, इंटीग्रेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग एरिया, सिक्योरिटी कैबिन, कॉमन वॉशरूम इन कैंपस, सोलर पीवी पैनल, स्मार्ट डोरबेल एंड मच मोर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दिस इज़ टिपिकल फ्लोर प्लान फॉर बी विंग। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक यूनिट प्लान को रिफ़र करेंगे। इसमें 2 BHK 620 कारपेट एरिया है और 800 कारपेट एरिया है और 3 BHK 1053 कारपेट एरिया है। और प्राइजेस के लिए दोस्तों आपको मुझे फ़ोन करना होगा और पोजीशन इस बिल्डिंग का दिसंबर 2026 में होगा। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to the channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.